Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone, I am Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. So guys, आज एक और आर्टिकल और आर्टिकल है जी पुलिस के बारे में, अबाउट टू पुलिस, और बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है, तो चले इसको समझने की कोशिश करते हैं. टू पुलिस ऑफिशियल्स अलॉन्ग विद accomplices हेल्प. जो दो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, यानी पुलिस के जो ऑफिशियल कहते हैं, यानी पुलिस के जो एहलकार हैं, उनको क्या किया, अलॉन्ग विद यानी उनके साथ. अलॉन्ग विद का मतलब है कि उनके साथ थे accomplices, यानी अलॉन्ग विद accomplices, यानी अपने दोस्तों के साथ, यानी अपने जो शरीक जुर्म होता है उसको accomplices कहा जाता है, जो आपके जुर्म के साथी होते हैं. तो साथियों समेत हेल्ड यानी पकड़े गए या गिरफ्तार किए गए. तो चले इन डिटेल देखते हैं ताकि आपकी विकेबलरी में इम्प्रूवमेंट आए और आपकी विकेबलरी इन्हेंस हो. और काइंडली जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो वो चैनल सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब किया हुआ है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी. Two police officials along with their accomplices were held on charges of corruption. यानी two police officials, दो पुलिस के एहलकार, along with their accomplices, यानी उनके साथ कौन थे, along with यानी अपने साथियों के साथ, their accomplices यानी इनके, यानी अपने साथियों समेत, were held यानी पकड़े गए. ये पैसे वे वर के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो पैसे वो होता है, वर हेल्ड यानी उनको गिरफ्तार कर लिया गया. ऑन चार्जेस ऑफ करप्शन, किस चीज़ के चार्ज में, यानी किस चीज़ का जुर्म उन पे लग गया. ये चार्जेस कहते हैं यानी आप पे कोई जुर्म लगता है, मतलब चोरी का, डकैती का, या एनी वन कोई भी चार्जेस आपके ऊपर लग जाता है, तो उसके यानी ऑफ करप्शन के चार्जेस उन पे लगे, यानी रिश्वतखोरी के. Misuse of authority there here on Saturday, यानी करप्शन का उन पर इल्ज़ाम लगा. और दूसरा misuse of authority, यानी misuse of authority का मतलब है कि आप इख्तियारात का मतलब गलत इस्तेमाल, here on Sunday, Saturday यानी Saturday को. According to police के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू पुलिस स्पोक्समैन, यानी पुलिस का जो स्पोक्समैन था, यानी पुलिस का जो तर्जुमान था, उसके मुताबिक. टू पुलिस ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग टू एकम्प्लिसेस वर अरेस्टेड इन मरी ड्यू टू चार्जेस ऑफ करप्शन. यानी टू पुलिस ऑफिशियल्स, जो दो पुलिस के एहलकार हैं, इंक्लूडिंग यानी उनमें शामिल है, बशमूल टू accomplices यानी दो साथियों, बशमूल दो साथी उनके, वर अरेस्टेड पैसिव है, वर अरेस्टेड अरेस्ट कर लिए गए इन मरी में, ड्यू टू का मतलब है ड्यू टू की वजह से, वजह बता रहे हैं, ड्यू टू यानी की वजह से, किस चीज़ की वजह से, चार्जेस ऑफ करप्शन के चार्जेस उन पर लगे इस वजह से. Those who were arrested, जो अरेस्ट हो चुके हैं, जिनको अरेस्ट कर लिया गया, those who were arrested, जिनको अरेस्ट कर लिया गया, identified as, वो उनकी identified हो गए, यानी उनकी शनाख्त हो गई, as a एहतेशाम and हम्माद, एहतेशाम और हम्माद के नाम से उनकी शनाख्त हो गई, with their accomplices अपने साथियों समेत. अपने साथी उनके क्या नाम था, सैम एंड जवाद, यानी पुलिस वाले दो औरतें और सैम और जवाद, ये इनके दोस्त थे, तो ये भी पकड़े गए हैं साथ. तो गाइज़, आज ये एक छोटा सा आर्टिकल, बिल्कुल ही छोटा सा आर्टिकल, और होप कि आपने बड़ा कुछ सीखा होगा. और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लिया करें और कमेंट कर दिया करें, ताकि हम आपको इम्प्रूवमेंट लाएँ अपनी उसमें, अगर कोई कमी बेशी है तो उसको दूर करें.
till then take care, keep practicing, have fun. Allah Hafiz.